मॉर्निंग चिल्ड्रेन, टुडे वी आर गोइंग टू लिसन अ स्टोरी, थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। वी शुड नेवर कर्स गॉड फॉर एनीथिंग, वी शुड ऑलवेज थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। गॉड अंडरस्टैंड्स आवर प्रेयर इवन व्हेन वी कैनॉट फाइंड द वर्ड्स टू से देम। हमें भगवान की शिकायत कभी नहीं करनी चाहिए, हमें हमेशा उनको हर चीज़ के लिए थैंक्स देना चाहिए, क्योंकि वे हमेशा हमारी भलाई की बात सोचते रहते हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आप लोगों से एक कहानी कहने जा रहा हूँ। एक जंगल में एक जिराफ रहता था। वह अपनी लंबी गर्दन देखकर काफ़ी निराश था। वह भगवान को भला बुरा कहते रहता था। वह कहता कि इस संसार में भगवान को कोई जीव नहीं मिला जिसको इतना लंबा गर्दन दे सके। उसने मेरी इतनी लंबी गर्दन बना दी कि मुझे चलना फिरना भी मुश्किल हो गया है। मैं इस गर्दन को आसानी से नहीं घुमा सकता, और जो उस मेरी जीभ है वह इतनी लंबी और अगली है कि बाहर निकालने में शर्म आती है। कुछ समय बाद उसे भूख लगी। उसने अपना गर्दन उठाया और एक पेड़ की डाली पर पत्ता खाने लगा। उसे फल दिखाई दिया। उस फल को तोड़ने के लिए उसने अपना गर्दन आगे बढ़ाया। उसने देखा एक सर्प पेड़ पर चढ़ रहा है, और एक घोंसले के पास जाकर वह रुक गया। जिराफ ने अपना गर्दन और ऊपर उठाया और उसने देखा कि सर्प गौरैया के अंडा को खाने वाला है। उसने अपनी लंबी जीभ से सर्प को धक्का दिया। सर्प जमीन पर गिर पड़ा और वहीं वह ढेर हो गया। यह देखकर जिराफ काफ़ी खुश हुआ। उसे अपनी लंबी गर्दन और जीभ पर काफ़ी घमंड हुआ, और उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसने कहा कि आज अगर आप मेरी लंबी गर्दन नहीं बनाए होते तो मैं इस सर्प को नहीं भगा सकता। ये अनबॉर्न जो बेबी हैं उसको सर्प खा गया होता। इसलिए हे भगवान, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है, We should never curse God for anything. We should always thank God for everything. God understands our prayer even when we cannot find the word to say them. अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट है, Who lived in a jungle? जंगल में कौन रहता था? तो ऑप्शन है एन एलिफेंट, बी अ लायन, सी अ जिराफ, डी अ स्नेक। तो जंगल में जिराफ रहता था, यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे। सेकंड नंबर, द जिराफ क्रॉल्ड आउट हिज टंग टू कैच सम। द जिराफ crawled out his long tongue to catch vegetables, leaves, fruits and insect. तो यह जो होगा fruits हो answer होगा, तो यहाँ पर हम लोग टिक करेंगे। थ्री नंबर, got in imbalanced and fell off the tree. कौन imbalance होकर के गिर गया? The snake, द जिराफ, द लायन और डी एक्स। तो इसमें जो है इनबैलेंस होकर के किसने कौन गिरा? द स्नेक, स्नेक जो है गिर गया। तो पहला वाला में हु लिव्ड इन ए जंगल, तो
A giraffe lived in a jungle. दूसरा में giraffe crawled out his long tongue to catch some fruits हो जाएगा. तीसरा में हो जाएगा the snake got imbalanced and fell off the tree. सी नंबर मैच द फॉलोइंग. यहाँ पर वन में है लॉन्ग है तो लॉन्ग क्या चीज़ है तो नेक है तो लॉन्ग को हम नेक से मैच कर देंगे. दूसरा क्या है ए स्नेक तो स्नेक में क्या किससे मैच करेंगे हिस ये साउंड से हम मैच कर देंगे. फिर तीन नंबर में जिराफ है तो जिराफ को क्या है तो गर्दन लंबा है तो इसको जिराफ से हम सी को मैच कर देंगे. चार नंबर फूड है तो फूड को किससे मिलाएंगे तो फूड क्या होगा डिलाइटफुल से मिला देंगे फूड को डिलाइटफुल से. और नेस्ट को किससे मिलाएंगे तो एक से मिला देंगे नेस्ट को एक से मिला देंगे. अब हम क्वेश्चन आंसर देंगे देखेंगे. वन है हाउ डिड द जिराफ ब्लेम हिज नेक. हाउ डिड द जिराफ ब्लेम हिज टंग. द नेस्ट बिलोंग टू हिच बर्ड. तो इसका आंसर हम लोग इससे लिख लेंगे. तो हम देखेंगे डी आंसर द फॉलोइंग. हाउ डिड द जिराफ ब्लेम हिज नेक. तो आंसर लिखेंगे ही थॉट गॉड इज रूड टू मी ही गिव मी सो लॉन्ग नेक एज आई कैनॉट मूव इट फ्रीली. तो उसने जो है सोचा कि भगवान जो है मेरे लिए ठीक नहीं है. उसने इतना लंबा गर्दन दे दिया कि मैं आसानी से उसको मूव नहीं कर सकता. क्वेश्चन नंबर टू हाउ डिड द जिराफ ब्लेम हिज टंग. तो जिराफ ब्लेम हिज टंग बिकॉज इट वाज लॉन्ग एंड अग्ली. उसका टंग जो है लंबा था और देखने में भी अच्छा नहीं था. क्वेश्चन नंबर थ्री द नेस्ट बिलोंग टू हिच बर्ड. नेस्ट किस चिड़िया का था तो आंसर हो जाएगा द नेस्ट बिलोंग टू स्पायरो. नेस्ट जो है स्पायरो का था. फोर्थ नंबर हाउ डिड जिराफ